तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी गाइस, तुम्हें हारना पड़ा, सॉरी। थैंक यू। ओए टप्पू, तू स्मार्ट है ना, तो मैंने एक गल दस। ये पानी कभी नीचे से ऊपर जा सकता है क्या? अब वो भी जाता ही है ना, इलेक्ट्रिक मोटर लगाएगा तो टंकी में पानी नीचे से ऊपर ही जाएगा। नहीं नहीं, ना मोटर के ना बिजली के, बिना कोई सपोर्ट के पानी नीचे से ऊपर जा सकता है क्या, बताओ? गोगी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या दोस्त? पानी नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? लॉ ऑफ ग्रेविटी भूल गया क्या? ओए पिंकू, तेरा नाम टप्पू है क्या? अरे मैं टप्पू को पूछ रहा हूँ, बता टप्पू। ए भाई गोगी प्लीज, तो भी दिमाग मत काम, एंजॉय करना है, एंजॉय करना। हाँ। इसका मतलब टप्पू को आंसर नहीं आता। हे गोगी, तू टप्पू से कैसे सवाल पूछ रहा है? और इनफैक्ट हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि पानी नीचे से ऊपर जाता है, सूरज की किरणों से पानी गर्म होता है और भाप बनकर ऊपर जाकर बादल बन जाता है, और जब दो बादल टकराते हैं तो वही पानी बारिश बनकर नीचे आता है। अब पूछ और पूछ और पूछ। इवैपोरेशन। हे गोली, मैंने ही क्वेश्चन पूछा, पता है? देखा टप्पू कितना स्मार्ट है, उसको सारे सवालों के जवाब पता है। और कुछ पूछना है? अरे बच्चा तुम सब लोग यहाँ, अरे चलो चलो बाहर घूम ले जाते हैं, चलो। वाह दादाजी, आप कितने फुर्तीले हो, आखिर इसका राज क्या है? अरे सोनू, कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, तुझे पता नहीं है दादाजी योगा करते हैं, जड़ी बूटियाँ खाते हैं? हाँ मैं रोज योगा करता हूँ, जड़ी बूटी खाता हूँ, लेकिन मेरी स्फूर्ति का राज कुछ और है। क्या? मेरा दिल। दिल? 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 मेरे सीने में छोटे बच्चे का दिल है, मुझे हमेशा नई नई चीजें करने का मन होता है, नई नई बातें सीखने का मन होता है, नई नई चीजें खाने का मन होता है। ये बात तो है, और इसी वजह से मेरा मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है, राइट, जिसका मेरे शरीर पर सकारात्मक असर होता है, समझे? वाह 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 दादाजी, आपने तो हमें जीवन मंत्र दे दिया। यस। दादाजी, आज डिनर में हम कुछ नया ट्राई करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू जो बोलेगा वो खाएंगे। चलो अब चलते हैं। हाँ, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तो भूख मस्त लगेगी ना, कितनी सारी वैरायटीज खाने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आज डिनर पार्टी पे जबरदस्त मजा आने वाला है। यार ये सोढ़ी और पोपट कुछ गड़बड़ ना कर दें, सबके सामने पार्टी करना खतरे से खाली नहीं है, जरा सी भी गलती हो गई ना और पकड़े गए तो फिर बहुत मुसीबत होगी। तारक कैसी लग रही हो? तारक कैसी लग रही हो, देखिए ना। ये शर्ट कैसा लग रहा है मुझ पे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ। ये शर्ट पहना है क्या मैंने? स्कर्ट, स्कर्ट सुना मैं ना, स्कर्ट सुना मैंने। तो मैंने स्कर्ट पहना है, ये स्कर्ट है? नहीं यार, ये स्कर्ट नहीं, ये तो पजामा है। हाँ? ये पजामा है? तारक आप ही ने ये ड्रेस सिलेक्ट किया था, ये मैं पजामा पहन के डिनर पे जा रही हूँ। पजामा मतलब नहीं, कोई स्ट्रेस है क्या? क्या टेंशन है बॉस? बॉस? अरे यार ये बॉस ने मरवा दिया अंजलि, क्या बोलूं मैं तुमको, अब दो दिन घूमने के लिए आए ना, अब मुझे बोल रहे हैं कि ये काम बहुत जरूरी है, करो अभी कभी भेजो मुझे, अब मैं क्या करूं भाई, दो घंटे लगेंगे काम करने में मुझे। अच्छा हाँ, तो कोई बात नहीं, आप अपना काम पूरा कर लीजिए, मैं यहीं आपके साथ रुकती हूँ, डिनर पर थोड़ा लेट चले जाएंगे, मैं अभी माधवी भाभी को बोलकर आती हूँ कि हम थोड़ा लेट पहुंचे। नहीं नहीं नहीं, रुको ना रुको ना, माधवी भाभी से कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं मैंने क्या किया, मैंने कह दिया बॉस को मेरा काम होता रहेगा, लेकिन नहीं, मैं अंजलि के साथ आया हूँ तो आई विल स्पेंड माय टाइम विद हर। नहीं तारा, काम पहले बाकी सब बाद। नहीं मैंने भी बोल दिया, वाइफ पहले बाकी सब बाद में, एक बार मैंने सोच लिया कि पार्टी शार्टी करूंगा तो करूंगा।
डिनर 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 शिनर वाइफ के साथ डिनर करूंगा तो करूंगा। तो फिर चले मेरे प्रिंस चार्मिंग। चलना जरूरी है क्या? नहीं जाते हैं ना? अरे चलिए, लेट हो जाएंगे। लेट तो हो जाएंगे, चलो। ओ कितना टाइम, उससे ज्यादा तो आपको टाइम लगता है। लाइफ में पहली बार सबके सामने पार्टी शार्टी करने जा रहे, ऐसा लग रहा है जैसे प्यासे हिरन को शेर की गुफा में जाकर पानी पीना है। क्या सोच रहे अभी? ओ हिरन। हे डियर डियर डियर, हाउ एम आई लुकिंग डियर? मैं कैसा दिख रहा हूँ? छान दिखता की हाँ प्रतिम, चलो। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा था, अभी हम लोग डिनर पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं अपने गोकुलम के दोस्तों के साथ एंजॉय करता रहूंगा। हाँ करिए ना। हाँ नहीं नहीं, तो मैं ये बोल रहा था कि वहाँ पे तुम ऐसे बार बार आहो 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 बोल के टोकना नहीं। मैं क्यों टोकूंगी आपको बार बार? मैं वहाँ गोकुलम की महिला मंडल के साथ मस्त एंजॉय करूंगी। चला जाओ। नहीं, 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 वो तो है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे सबके सामने तुम आहो आहो बोलोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए तुम अगर बात करनी है तो मुझे एक मिस कॉल या तो मैसेज कर देना, हम लोग बात कर लेंगे। और कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं, जाओ यार। ओ हो चला चला, एंजॉय करते मस्त। ला 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 हंस। हां आई एम रेडी। बोलो कैसी लग रही हूं? मलाई बर्फी की तरह फ्रेश स्वीट एंड टेस्टी। क्या हंस, तारीफ में भी खाना, इसका मतलब तुम्हें जोरदार भूख लगी है राइट? वो कब नहीं लगती? सही बात है। हंस हम सब गोकुलधाम वाले कितने टाइम बाद साथ में डिनर करेंगे, मजा आएगा नहीं? मजा तो आएगा ही ना कोमल, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा वैरायटी होगी, खाने में भी और पीने में भी। पीने में? पीने में कैसी वैरायटी होती है ना कोमल, पीने में भी वैरायटी होती है, मॉकटेल्स लस्सी कोल्ड ड्रिंक जूस है ना, देखा वैरायटी है। हंस सच बताओ, पार्टी शार्टी करने का प्लान तो नहीं है ना तुम्हारा? नहीं नहीं कोमल, कोई गधा ही होगा जो इतने सारे लोगों के बीच पार्टी शार्टी का प्लान करेगा। अच्छा तुम साथ हो तो मुझे पार्टी शार्टी की क्या जरूरत है? जैसे जैसे पार्टी शार्टी करने का टाइम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बस कोई गड़बड़ ना हो। अरे चलो हंस। हाँ 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 चलो चलो। पार्टी की सब तैयारी हो गई हो तो अच्छा है। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? यही कि पार्टी की सब तैयारी हो गई हो तो अच्छा है। पार्टी? कौन सी पार्टी? किस पार्टी की बात कर रहे हैं? कौन? आप? मैं? क्या बोल रहा है तू? नहीं अभी आपने कहा ना पार्टी की सब तैयारी हो गई हो तो अच्छा है, तो अभी हम डिनर में जा रहे हैं कि पार्टी में जा रहे हैं? हमारे लिए तो डिनर एक तरह के पार्टी है ना भाई। चल भाई चलो 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 चलो। एक मिनट बापूजी, मुझे सेठ जी से कुछ कहना है। क्या? थैंक यू। क्यों? आप मुझे अपने साथ इतने बड़े रिसोर्ट में लेकर आए और अभी आपकी सोसाइटी की डिनर पार्टी में भी मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, इसलिए थैंक यू। अरे इसमें नया क्या है बागा बेटा? गोकुलधाम सोसाइटी के भी हर कार्यक्रम में तू आता ही है ना? बापूजी सोसाइटी की बात अलग है और इतने बड़े रिसोर्ट की बात अलग है, इतनी बड़ी जगह पर सब लोग थोड़ी ना आ सकते हैं, और जो आते हैं वो अपने परिवार के साथ ही आते हैं, कोई एम्प्लॉय को थोड़ी ना अपने साथ लेकर आता है। आप मुझे अपने साथ इतने बड़े रिसोर्ट में लेकर आए उसके लिए थैंक यू। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है बागा, तू भी हमारा परिवार का सदस्य ही है ना। थैंक यू सेठ जी। अरे नहीं नहीं बागा, मेरे नहीं बापू जी के गले पड़। मेरा मतलब है बापू जी के पैर पड़, ये सब संस्कार उन्होंने ही मुझे दिए हैं जी। थैंक यू बापू जी। हमेशा खुश रहे। चलो चलो एक मिनट बापू जी, बागा उधर डिनर में तो बापू जी के साथ में रहना, उनका ध्यान रखना। हाँ हाँ
तू कहीं जा रहा है? नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा बापूजी, मैं तो वहीं रहूंगा, लेकिन अपने दोस्तों के साथ रहूंगा ना, इसलिए। तू अपने दोस्तों के साथ रहना ना भाई, तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा। आपके कौन से दोस्त? मेरी टप्पू से ना, और कौन? नहीं नहीं, बराबर बापू जी, आप उनके साथ ही रहना, तो फिर मैं मस्त। हाँ बोल बोल बोल, रुक क्यों गया? तो मैं मस्त मजे करूंगा, यही बोलना चाहता था ना। हाँ तो करना ना भाई, खूब मजे करना है। थैंक यू बापू जी। चलो पानी पहला पार बंधाई गए, अब कोई टेंशन नहीं है। अरे क्या सोच रहे? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा बापू जी, डिनर के बाद हम सब दोस्त बैठ के थोड़े गप्पे वप्पे मारने वाले हैं, तो क्या आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो आप मेरी राम मत देखना, मैं पोपटलाल के या सोठी के कमरे में सो जाऊंगा। कोई बात, अब चलें, सब लोग आ गए होंगे। चलो 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 चलो, चलिए बापू जी। वाह, मेरी लाइन तो क्लियर हो गई, बस अभी वो पोपटलाल मुकेश का सेटिंग कर दे तो हमारी पार्टी शार्टी का बेड़ा पार। आया भाई, आया। दरवाजा बंद कर। अरे क्या हुआ भाई, आप लोग बुलेट ट्रेन की तरह अंदर क्यों घुस गए? क्योंकि मेरे हाथ में पेट्रोल है। मतलब पार्टी शार्टी का इंपोर्टेड स्टॉक। वो पूजा, तू जेठापुरा वाला स्टॉक लेकर आ। अरे सोनी, तू जो लेकर आया वो आज के लिए काफी है ना। अरे फ्लेवर, अगर किसी को ये फ्लेवर नहीं पसंद आया तो जेठापुरा वाला फ्लेवर समझ रहा है ना तू, जा। बड़े दिनों के बाद आज पार्टी शार्टी कर रहे हैं, मजा आना चाहिए। करेक्ट है। ओए यारो, वो दिन और वो टाइम आ गया जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे सोनी, ये वाला बोतल। पार्टी शार्टी के बाद फिर से पार्टी शार्टी करने का मूड किया, तब ये बोतल काम आएगी। संभाल के रख दे। ओ लोग डिनर पार्टी में आए, उससे पहले हम लोग अपना पार्टी शार्टी का अरेंजमेंट कर लेते हैं। सोबर सोबर सोबर। अच्छा अच्छा सोड़ी, सब लोग आए उससे पहले अपनी सेटिंग कर लेते हैं कि किसी को हम पर शक ना हो। पप्पू तू टेंशन ना ले, मैंने ऐसा कई बार किया है और कभी पकड़ा नहीं गया हूँ। थोड़ी इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी कभी ना कभी आउट होता ही है। ओ अय्यर प्रा, इसीलिए मैं हमेशा 12th मैन ही बनता हूँ, ना कभी क्रीज में जाता हूँ और ना कभी आउट होता हूँ। वो छोड़िए, बता तो कितनी बोतल लेकर आया? वैसे तो मेरे पास 3 बोतल है, पर मैं 2 लाया हूँ, एक आप लोगों के लिए और एक मैं अपने लिए। अरे सोड़ी, तो इतनी पिएगा तो खुद तो फंसेगा ही और हमको भी फंसाएगा। हाँ, आज ही मेरा सम्मान हुआ और आज ही अपमान करवाएगा तू। ओए पोपू, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, I'm just joking। ओ जी, मैं लिमिट में ही पीऊंगा और कंट्रोल में रहूंगा। सोड़ी सच कहो, मुझे पूरे मिशन काला कौवा में जितना डर नहीं लगा ना, उतना आज पार्टी शार्टी करने में लग रहा है। ओ तू डरना छड़, ते मुकेश नु लग। मुकेश कित्ते है? अरे आ गया आ गया आ गया, चल 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 उससे बात करते हैं। चल चल चल। मुकेश कैसे हो? अरे सर आप लोग आ गए, बाकी सब कहाँ है? वो सब भी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें तुमसे एक मदद चाहिए। अरे आप लोग फिर से कोई नया मिशन शुरू कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो सर मुझे भी जुड़ना है। ये मिशन तो है, लेकिन किसी को पकड़ने का नहीं, हम ना पकड़े जाए वो मिशन है। मैं कुछ समझा नहीं सर। हम सब दोस्तों का पार्टी शार्टी करने का प्रोग्राम है। पार्टी शार्टी? ओए पार्टी शार्टी वाली पार्टी। पोपट जी आप भी? ए, वो इतना बड़ा मिशन पूरा हुआ है तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो बनता है ना। वैसे अपना कभी कभार होता है, ओकेशनली। ऐसा नहीं है रोज शाम होते ही पाइजे, मतलब पाइजे। और वो क्या है ना, आज हम सब फैमिली के साथ है ना, तो छिप कर पीने में तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा अच्छा, देखा समझ गया ना, मैंने कहा था ना लड़का होशियार है। नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली समझा नहीं हूँ, मुझे करना क्या है सर? जल्दी समझा, सब लोग आते ही होंगे। सुन मुकेश,
अभी सब आते होंगे, उससे पहले ना तुझे दो कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालनी होंगी, एक लाल ढक्कन वाली और एक ब्लू ढक्कन वाली। कोई जल्दी बोतल निकालते ऐसे रख, एक लाल एक ब्लू, ये परफेक्ट है। इस लाल ढक्कन वाली बोतल में तुम्हें हमारा कैरम मिलाना। कैरम जी? अरे सॉरी, बैग कॉल कर दिखा ना। ओ, ये कह रहा हूँ। ओके, अब समझ गया, मिक्सिंग इसका तो मुझे अनुभव है। फैमिली के साथ जब आते हैं ना गेस्ट, तो सब लोग ऐसा ही करते हैं, चुपके से पीते हैं ताकि किसी को पता ना चले। ये कोई नया प्लान नहीं है। अरे पप्पू, तो बिल्कुल सही कहता था। ओ, ये बंदा तो चैंपियन है, उसे तो सब पता है। तो ये बंदे ने खुश किया है। इसकी क्या जरूरत है सर? यार, एंजॉय कर, सानू भी एंजॉय करवा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात याद रखना, ये रेड ढक्कन का जो बॉटल है ना, इसमें सब लोग पियेंगे, और ब्लू ढक्कन के बॉटल में से हम लोग पियेंगे। अरे यार भाई, रेड ढक्कन वाली बोतल से हम पियेंगे और ब्लू ढक्कन वाली बोतल से बाकी सब पियेंगे। इसको स्वाइप कर दो, स्वाइप कर दो। मुकेश भाई, एक बार तो रिपीट कर, क्या करना है? सर, लाल ढक्कन वाली से आप लोग पियोगे और ब्लू वाली से बाकी सब लोग पियेंगे, ऐसा ही है ना? देखो भाई, किसी भी हालत में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और भाई, क्यों मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे? और ये थैली में क्या है? क्या छुपा रहे हो? क्या करें यारो, इसको बता दे। हाँ हाँ, अब्दुल को बता देते हैं, इसको बता देंगे और हमारी साइड ले लेंगे ना, तो हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अब्दुल, हम जो बताने वाले हैं ना तुझे, वो हमारा एक राज है। एक सेकेंड। ओए मुंडिया, वो सोडे दी बोतल दे। सोडे की बोतल? ओए एक मिनट, इस पे हाथ रख, इस पे हाथ रख और कसम खा कि हम तुझे जो बताएंगे वो तू किसी को नहीं बताएगा। अरे जो किसी को नहीं बताना है तो मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे क्यों फंसा रहे हो? नहीं 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 अब्दुल, कसम खा, वरना आज के बाद हम कभी तेरी दुकान से सोडा नहीं पियेंगे। तेरी दुकान से सोडा पीना कैंसल। कभी नहीं पियेंगे। नहीं नहीं, मैं सोडे की कसम खा रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो अब सुन, ये है हमारी पार्टी शार्टी वाली बॉटल। ठीक है, और ये मुकेश तो हमारा ध्यान रख ही रहा है, और गड़बड़ ना हो इसका ध्यान तुझे रखना। अरे आप लोगों ने कहां फंसा दिया, अगर आप लोग पकड़े गए तो मुझे भी डांट पड़ेगी। तो अब्दुल, अगर जो तुमको डांट नहीं खाना है तो तुम इस बात का ध्यान रखो कि हम लोग नहीं पकड़े जाए। ओ चल चल मुकेश, तू देख क्या रहा है, अपना काम शुरू कर यार। और कम कर। अरे क्या और कम कर, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, हमको नींद थोड़ी पीना है। थोड़ी पीएंगे, लिटिल लिटिल। अरे आप लोग बहस मत करो, वो लोग आ जाएंगे। जल्दी कर, जल्दी कर। ब्यूटीफुल प्लेस है। हाँ, डांस फ्लोर भी यहाँ पे, तो ना तो धमाल होगा। चलो चलो चलो, इधर भी है, वो देखो वहां पे ही खड़े। दोस्तों पार्टी शार्टी की तैयारी हो चुकी, रंगीन पानी की तैयारी हो चुकी, मुकेश ने दोनों बोतल तैयार कर दिए, लाल ढक्कन वाली हमारे लिए और बाकी दूसरी वाली बाकी दूसरों के लिए। भाई सोचिए, पार्टी शार्टी की प्लानिंग में इतना मजा आया तो पार्टी शार्टी करने में कितना मजा आएगा। दुनिया की कोई ताकत हमें पार्टी शार्टी करने से नहीं रोक सकती, बहुत मजा आएगा। लेकिन डर भी लग रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ रही है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आप हमारा इतिहास जानते हैं, कुछ करते हैं तो गड़बड़ जरूर होती है। लेकिन इस बार मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जो भी होगा होगा हंगामों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और ठाकुर की पार्टी शार्टी कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.